चुनावों में बगावत की बिगुल जो है फूंकने वाले कांग्रेस के 6 बागी विधायक अब भाजपा के हो गए हैं। शनिवार को बीजेपी में ये विधायक जो हैं वो शामिल हो गए। और आपको बता दें कि नई दिल्ली में सभी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और सांसद हर्ष महाजन की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने बागी 6 विधायकों को राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा को अयोग्य घोषित कर दिया था। अयोग्य ठहराए इन विधायकों को गुरुवार रात भाजपा हाईकमान के साथ बैठक हुई थी। बैठक में भाजपा में शामिल होने पर सहमति बनी थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में अयोग्य घोषित विधायकों ने भाजपा में ज्वाइनिंग और भविष्य की सियासत को लेकर गहन चर्चा की थी। भाजपा जल्द लोकसभा चुनाव के लिए कांगड़ा और मंडी और विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशी घोषित कर सकती है। इस बारे में राजेंद्र राणा ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात के बाद सब कुछ तय हो गया है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में लिखा है कि आयाराम, गयाराम और धन बल की राजनीति करने वालों ने देवभूमि के जनादेश के साथ धोखा करके आज अपना ठिकाना चुन लिया है। आज से वे उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने ओपीएस मांगने पर कर्मचारियों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने पेपर लीक घोटाले किए और युवाओं के रिजल्ट लटकाए, जो अपने फायदे के लिए महिलाओं के विरोध में खड़े हो गए थे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस झूठे वादे कर सत्ता में आई थी, जनता का गुस्सा 6 विधायकों के रूप में दिखा है। इंडिया न्यूज से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि प्रदेश सरकार के पास बहुमत नहीं है, सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। तो सुनिए अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ना केवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार कई वर्षों से है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और हम सबका एक गौरव है कि हमको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कार्य किया, एक और तो देश में 25 करोड़ गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय हो, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, या फिर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की हो, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहले भी दिया, आगे भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर हैं। ठाकुर जी, आज 9 विधायक जो है सो आप लोग के साथ हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया, क्या कहें? अभिनंदन है, स्वागत है सबका। और हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात हैं जहां कांग्रेस पार्टी बहुमत में नहीं है, और निश्चित रूप से जब बहुमत में नहीं है तो उनको स्वीकार करना चाहिए। बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक और इंडिपेंडेंट 3 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी और कौन कौन से नेता या कई लोग हिमाचल के शामिल होंगे? देखिए, इस बात को लेकर के अभी कहना कुछ उचित नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना कि निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उनके अपने नेताओं के द्वारा खड़े किए, उनका जवाब उनको देना होगा। कांग्रेस हिमाचल में क्या ठीक? थैंक यू, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। उनके लिए हमको लोगों ने चुन करके भेजा है, अगर वही नहीं कर पाएंगे तो विधायक बन के किसी पद को लेने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया, राज्यसभा का चुनाव हुआ,
उसमें हमने हमारे ही प्रदेश से संबंधित हर्ष महाजन जी को मतदान दिया। मतदान दिखा करके हुआ, किसी से चोरी छुपे नहीं दिया। हमें पता था कि परिस्थितियां क्या बनेंगी। आज स्वेच्छा से सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जो भी दायित्व दिया जाएगा तो उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। कांग्रेस जिस तरह से आप लोगों को निष्कासित कर दिया, आप लोग कोर्ट भी गए और कांग्रेस आप लोगों को सुन नहीं रही थी, इसलिए आप लोगों ने छोड़ा? बिल्कुल, देखिए पिछला 1.5 साल हो गया है। उस 1.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे। जब यहाँ कुछ किसी को कहा जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, और जब जहाँ व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे उसकी सुनवाई ना हो, ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, प्रदेश की जनता के साथ कुछ वायदे हुए, कुछ गारंटियाँ दी गई, ना तो गारंटियाँ पूरी हो रही हैं। लोग हमें पूछते हैं कि आपकी पार्टी ने ऐसे ऐसे वायदे किए हैं, वो वायदों का क्या हो रहा है? नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, जिनको जिन्होंने पेपर दे रखे हैं उनकी भी नौकरियाँ होल्ड कर ली हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तानाशाह बन गए थे और हमेशा जलील करते थे, विधायकों के चुने विधायकों की सुनवाई नहीं होती थी। वहाँ सरकार जो चल रही है विधायकों के माध्यम से नहीं चल रही है। वहाँ पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं उनके मित्रों की सरकार बन के रह गई है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो वेंटिलेटर पे है और आज पूरे देश में कांग्रेस में जो है पूरी तरह पॉलिटिकल डिजास्टर हो चुका है। और 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें पूरी तरह जो है देश में सफाया होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में परचम। तो आपने सुना, जो बागी विधायक हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीएम पर और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए राजीव खिमटा जी कांग्रेस की तरफ से, विवेक शर्मा जो हैं भाजपा की तरफ से जुड़ गए हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हिमाचल में, हिमाचल की सियासत में आगे क्या होने वाला है। कुछ घंटे जो हैं हिमाचल सरकार पर, हिमाचल की सियासत पर भारी हैं। विवेक शर्मा जी आपका स्वागत है, राजीव खिमटा जी आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं विवेक शर्मा जी के पास आना चाहूँगा, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आपने धन बल का प्रयोग किया है, सीएम ने ट्वीट किया है बागियों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कि आपने धन बल का प्रयोग किया है और जो जनादेश है उसके साथ धोखा किया है। देखिए, 9 विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश और कांग्रेस के प्रति उनके हृदय में द्वेष, ये वास्तुस्थिति है जो उभर करके सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति का आंकलन जब करती है तो उसकी बौद्धिक क्षमता, उसके व्यक्तित्व में उद्यमता, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता, हमारे लिए कोई भी अनटचेबल नहीं है। हम किसी भी योग्य व्यक्ति का सदैव स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसी एजेंडे पे काम भी करती है। हम किसी को द्वेष भाव से, अनटचेबिलिटी के हिसाब से नहीं देखते। दूसरा प्रश्न जो आपने अभी उत्पन्न किया पैसे की खरीदो फरोख्त का, मुख्यमंत्री जी काफी दिनों से इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ आपत्तिजनक भाषाओं में भी उन्होंने उपयोग किया है। अभी तक वो विधायक जो थे वो किन्हीं कारणों से मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे थे। मुझे लगता है वो स्वयं आकर बताएंगे कि खरीदो फरोख्त कहाँ होती है और किन स्थितियों में होती है और कौन सी सरकारों में होती है और उसमें कांग्रेस का क्या रोल रहता है। वो स्वयं सक्षम है इनके प्रत्येक उत्तर देने के लिए। वास्तु स्थिति ये है, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री के पांव के नीचे से जमीन निकल गई है। वो जिस जिले से आते हैं वहां पर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 में से 3 वहां खाली हो गए। वहां उनकी ये स्थिति है, केवल एक स्वयं और एक विधायक और रह गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिस जिले से आते हैं उस जिले की वास्तु स्थिति है कि वहां पर एक भाजपा के अतिरिक्त 4 सीटें और हैं, 4 में से 2 वहां से खाली हो गई। तो इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और हालत यह है कि एक तरफ ये इल्जाम लगाते हैं, अंततः आखिरी समय तक उन्होंने पार्टी छोड़ी है, ये उनको पार्टी से निष्कासित करने का हौसला नहीं चुका पाए, इन्होंने पार्टी से बाहर उनको नहीं किया है। इल्जाम जरूर मंचों से लगाते रहे लेकिन रात के अंधेरे में उनको फोन पर बुलाते भी रहे, ये कांग्रेस का चाहल चरित्र है। ठीक है, कांग्रेस से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। राजीव खिमटा जी, जी देखिए अब तो पिक्चर क्लियर है, बागियों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार जो है संभाल नहीं पाई अपने विधायकों को,
अपने लोगों को कांग्रेस जो है वो संभाल नहीं पाई, संगठन और सरकार में तालमेल नहीं था, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं कमी रह गई जो आपके लोग आपसे अलग हो गए, या फिर जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं धन बल का प्रयोग किया गया, क्या सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में हुई 75 साल में, मुझे लगता है ये पहली मरदफा है कि इस तरह की जो है घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो धन बल का लेकर, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा कि धन बल का हुआ। अब समझ सकते हैं आप कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, कारण क्या था कि कारण दो तीन जो लोग हैं जो आज भाजपा में ज्वाइन किए हैं उनका एजेंडा पर्सनल एजेंडा था। उनका एजेंडा ये नहीं था कि उनकी विधानसभा में किस तरह से लोगों का काम हो, उनका एजेंडा अपना पर्सनल था कि मंत्री बनाया जाए या हमें कहीं ना कहीं और एडजस्ट किया जाए सरकार के अंदर। तो उनका वो पर्सनल एजेंडा था जो वो फुलफिल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया। और साथ में भाजपा के जैसे पूरे हिंदुस्तान में जो है आज जहां चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम था वो चल रही थी, और आज जो पटकथा है वो पूरे हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के सामने आ गई कि भाजपा ने पटकथा लिखी थी, भाजपा ने धन बल का इस्तेमाल किया था और अल्टीमेटली आज भाजपा को ज्वाइन कर। अगर इतना ही सच्चे थे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, जो विधायक है सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, अल्टीमेटली अगर हमने ज्वाइन करते। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जिस पार्टी ने, खासतौर पर सुधीर शर्मा या बाकी जो मैं कहना चाहूंगा उनके तो पिताजी से लेकर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मान सम्मान दिया और वो तो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे पंडित संतराम जी, और माननीय जो सुधीर शर्मा जी थे उनको तो प्रदेश सचिव ऑल इंडिया सेक्रेटरी बनाया गया, मंत्री बनाया गया, और अगर आज वो अगर चारवारी के विधायक है तो शायद कांग्रेस की देन है। इतना नहीं, कांग्रेस के क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जनता ने आज कांग्रेस को जनमत दिया था भाजपा की सरकार के 5 साल पूरे के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने उस जनमत का भी यहाँ की जनता के साथ धोखा दिया है, और अब आने वाले चुनाव में साबित हो जाएगा कि किस तरह का हुआ। रवि ठाकुर की मैं बात करूं, हाँ। कि आप अगर ये कहते कि काम नहीं हो रहे, अगर जो महिला को जो 1500 की योजना है वो माननीय रवि ठाकुर जी के इलाके लाहौल स्पीति से माननीय मुख्यमंत्री ने की, तो समझ सकते हैं कि इन सभी विधायकों के काम हो रहे थे, लेकिन इनके पर्सनल एजेंडे थे जो पर्सनल एजेंडे फुलफिल नहीं हो रहे थे, और भाजपा बैठी हुई थी किस तरह से जो है यहाँ पे तोड़ मोड़ करके वापिस सत्ता में आ जाए। और आज जो पटकथा है पूरा हिमाचल प्रदेश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आज भाजपा जो है पटकथा में कामयाब हुई। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री की बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आप ने कहीं ना कहीं इसमें धन बल का प्रयोग हुआ है, और जो सबके सामने कुछ समय के अंदर आ जाएगा। ठीक है विवेक जी, देखिए अब पूरा प्रदेश जानना चाहता है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कुछ लोग लिख रहे थे कि हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, कुछ सवाल उठा रहे थे कि आप बीजेपी का अगला प्लान क्या है, सारे विधायक रिजाइन देंगे भाजपा के, या फिर सीएम सुक्खू एक बार फिर अपनी सरकार बचा ले जाएंगे। बहुत सारे रिएक्शन आ रहे थे सोशल मीडिया पर। आप ये बताइए अगला प्लान क्या है बीजेपी का, जो कार्यकर्ता है भाजपा के, जो जनता है प्रदेश की, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब समझना चाहते हैं कि भाजपा कहां खेल कर रही है, अगला प्लान क्या है। भाजपा किसी प्रकार का कोई खेल नहीं कर रही है, ये वास्तविकता में इन्होंने कहा पटकथा, ये पटकथा बालहट और अहंकार से ग्रसित पटकथा है। पिछले कल 30 विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान को अपने ही अध्यक्ष को बदलने का पत्र लिखा है। अब ये बालहट है कि अहंकार है या अनाड़ीपंथी है, ये मैं कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर स्पष्टीकरण देंगे कि 30 विधायकों को आखिर हस्ताक्षर करके देने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इनकी प्रदेश अध्यक्षा ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, माननीय रामलाल ठाकुर जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, कौन सिंह जी कहते हैं कि मैं प्रतिभाजी को मनाऊंगा वही चुनाव लड़ेंगे, आखिर कांग्रेस के भीतर घट क्या रहा है, ये स्पष्टीकरण कांग्रेस को देना है। और अगर कांग्रेस का कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति, कोई कर्मठ कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना चाहता है तो उसको हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं है, हम उसका सम्मान करेंगे, उसको बुलाएंगे, वो हमारी विचारधारा से प्रभावित होता है तो हम उसको कहेंगे आप आए। ये प्रश्न कांग्रेस के हैं, कांग्रेस बिल्कुल अनाड़ी पंथी में चली गई, बाल हट की तरह सरकार चल रही है, अहंकार की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार से सत्ताएं नहीं चलती, और ये साफ स्पष्ट शब्दों में दिख रहा है। और इसी वजह से प्रदेश की जनता आहत है, वो कयास लगाती है, प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उत्तर तो सत्ता को देना होता है, यहां उल्टी सिचुएशन हो गई है कि प्रश्न विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। राजीव जी, देखिए आप ये भी साथ में बता, देखिए इनके सवाल का जवाब तो दे देना, लेकिन मेरा भी एक सवाल ये है, पूरे प्रदेश जानना चाहता है कि प्रतिभा सिंह क्यों नाराज हैं, वो क्यों चुनाव लड़ने से इनकार कर रही हैं, क्या सरकार और संगठन में जो खाई पैदा हुई थी वो और बढ़ती जा रही है।
नहीं, अब देख लीजिए पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री और माननीय अध्यक्षा की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो सामने दिख रही है कि कोई खाई, इस तरह की कोई खाई है नहीं है। अब उन्होंने जो व्यक्तिगत अपने कारण दिए है कि मैं स्वास्थ्य की वजह से या उसके से भी थोड़ी असमर्थ हूँ, तो मुझे लगता है कि अब उन पर डिपेंड करता है कि आगे जो पार्टी हाईकमांड है क्या एक्शन लेते हैं। रही बात इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय निर्माण में जो अभी जो छह विधायक जो कांग्रेस के जो बीजेपी में ज्वाइन किए, क्या राष्ट्रीय निर्माण उन्होंने अभी दिखाई दिया? क्या नरेंद्र मोदी उन्हें अभी दिखाई दिए? डेढ़ साल पहले नहीं दिखते थे जब उनको, जब उन्होंने कांग्रेस की टिकट ली थी, जब उनको कांग्रेस के टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, तब उन्हें वो राष्ट्रीय निर्माण या नरेंद्र मोदी ने दिया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, विवेक जी से जहां से धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सुधीर शर्मा आज इनके साथ किस तरह से मंच पे साझा करेंगे? जो आज ताउम्र जो है इन्होंने भाजपा को गालियां दी है, और शायद जो विवेक जी है जो ये भी कहीं ना कहीं टिकटार्थी थे भाजपा के वहां से धर्मशाला से, तो क्या ये सहन कर पाएंगे? सुधीर शर्मा को वहां के नेता मान पाएंगे? ये बहुत प्रश्न चिन्ह है आज भाजपा के अंदर, क्योंकि कांग्रेस का जो स्थिति है वो स्थिति आपके सामने है। और अगर हम जो अगर 9/22 चुनाव भी होंगे, बाई इलेक्शन भी होंगे, तो उसके लिए भी तैयार है। और कांग्रेस जो है बिल्कुल जो सत्ता हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो एक सत्ता संभाली थी उस सत्ता को आगे भी बरकरार रखेंगे, ये मेरा मानना है। ये हमारी जो जनता है और खासतौर पे जो कार्यकर्ता है उनका मानना है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश आहत हुआ है, यहाँ की जनता आहत हुई है, क्योंकि इस तरह का जो पॉलिटिकल ड्रामा कभी भी हिमाचल प्रदेश में आज तक नहीं हुआ था। और आज पूरी जनता जो अगर समझ सकते हैं कि लाहौल स्पीति जैसे लोग आज इन विधायकों को अपने घर में आने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना मुश्किल हो गया, क्योंकि जनता इनसे पूछ रही है कि हमने तो आपको कांग्रेस के लिए चुन के भेजा था, आप कहां चले गए? आपका इंडिविजुअल फैसला था, आपका सिर्फ अपना व्यक्तिगत फैसला था, या व्यक्ति अपनी जो वो आपने राजनीतिक रोटियां सीखनी थी उसके लिए किया, लेकिन जनता ने क्या किया? जो जनता जिस जनता ने जिस कार्यकर्ता ने 25-30 साल पार्टी में काम किया और आपको जिताया हो, चाहे सुधीर शर्मा हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आहत है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग कांग्रेस को भी की है और जनता के साथ भी की है। और अगर इन्होंने कहा भाजपा को कोई लेना देना नहीं, तो मेरा कहना का है कि 27 तारीख को जिस टाइम आपकी एक क्रॉस पोलिंग हुई है, उस वक्त से लेकर इनके दो विधायक और जो जनरल सेक्रेटरी भी इनके भाजपा के, वो इनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, 6 के 6 विधायकों और 3 इंडिपेंडेंट को। तो अगर भाजपा को कुछ लेना देना नहीं था, तो वो दो विधायक क्या कर रहे थे? विवेक जी से पूछ लेते हैं। विवेक जी बताइए, एक तो दो विधायक क्या कर रहे थे, और अब ये भी बता दीजिए मुझे कि उपचुनाव होंगे अगर, टिकट किस किस को देंगे आप? आपके अपने लोग नहीं नाराज होंगे क्या? जो विधानसभा चुनाव लड़ते थे, जो हारे हुए हैं वहां से, वो नाराज नहीं होंगे? उनकी नाराजगी कैसे आप सही करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक संरचना है, हमारे यहाँ पद नहीं दिए जाते, हमारे यहाँ जिम्मेवारियां दी जाती हैं। हमारे यहाँ ये व्यक्ति को बताया जाता है कि आपकी ये जिम्मेवारी है, और हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेवारी दी जाएगी वो जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे। हम पद की लालुकता में नहीं जाते। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक संरचना का हिस्सा है, जिसे शायद कांग्रेस नहीं समझ पाएगी। दूसरा प्रश्न हमारे भाई साहब ने जो उठाया कि जी उनको एस्कॉर्ट क्यों कर रहे थे, अरे भाई जब वो अंदर राज्यसभा का मत आपके चुनाव का जो व्यक्ति वहां खड़ा था उनको देख रहा था, उनको दिखा के डाला उन्होंने वोट। अगर हमें कोई वोट देगा तो क्या हम उसका सहयोग नहीं करेंगे? ये तो बड़ा अटपटा प्रश्न है। आपके चुनाव जो प्रभारी वहां खड़े थे उनको दिखाकर के उन्होंने मत का उपयोग किया है। और आप मुझे बताइए कि आप षड्यंत्र के तहत आपने उनको विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित किया, पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? देखिए सुनिए, देखिए षड्यंत्र नहीं, आप समझते कि कानून के तहत हुआ है। अगर कानून के तहत ना होता तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें स्टे दे दिया होता। अल्टीमेटली जो विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने जो कि कानून के तहत और जो विधानसभा के तहत जो कानून था उसके तहत उनको उनके डिस्क्वालीफाई किया है। अल्टीमेटली अगर उतना ही था, ये समझ लीजिए, अगर आपके लोग इतने थे तो क्या वो जो अभी तक एस्कॉर्ट करने की क्या जरूरत थी? आप विधानसभा में एस्कॉर्ट करते हैं, लेकिन आप अल्टीमेटली उनको कभी हरियाणा शिफ्ट कर रहे हैं, कभी आप उनको उसको उत्तराखंड शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं कि पटकथा आपने लिखी थी, क्योंकि आप चाहते थे कि अल्टीमेटली यहाँ पे और ज्यादा जो है तोड़फोड़ की जाए धन बल के तौर पे, और जो सरकार बनाई जाए, लेकिन उसमें विफल हुए। अभी तो आपके जो 3 लोग हैं उन्होंने भी अभी आपके जो आपकी पार्टी ज्वाइन की है और अभी अध्यक्ष को दिया है, तो उसमें भी अभी मुझे लगता है कि समय लगेगा कि वो उनका कब तक वो जो है इस्तीफा लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन द स्पीकर। अब वो तो नहीं होगी कि आप पूरे के पूरे रिजाइन कराते रहो और बोले जी भाजपा में आओ, इस तरह की जो पटकथा है वो तो आप पूरे हिंदुस्तान में लिखना शुरू कर दो। खैर आपके भाजपा की पार्टी है और कुछ भी हो सकता है, संभव हो सकता है, क्योंकि जहां पर नरेंद्र मोदी जी हो और अमित शाह हो वहां पर चुनी सरकारों को तो इमीडिएटली उखाड़ दिया जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं, पूरी हिंदुस्तान की जनता देख रही है, पिछले 10 साल से देख रही है।
विवेक जी, ये ऐसा है कि सुखविंदर सिंह सुखू जी अपना कुनबा संभाल नहीं पा रहे और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये बहुत आपत्तिजनक स्थिति है कि अपना परिवार तो इनको संभालना है, हमने तो नहीं संभालना इनका परिवार, या हमें ही दे रहे हैं कांग्रेस तो फिर हम संभाल लेते हैं पूरी कांग्रेस और चला भी लेते हैं, सरकार भी चला लेंगे, ये कांग्रेस का निर्णय करना है। दूसरा विषय जो उन्होंने उठाया कि उनको एस्कॉर्ट क्यों कर रहे थे, एस्कॉर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप उनकी ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास कर रहे थे और जो आपके विधानसभा के गेट पे जिस प्रकार से अगले दिन वहां पर गुंडा एलिमेंट्स को खड़ा किया गया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है और इसी के मद्देनजर उन्होंने सुरक्षा मांगी है और उनको सुरक्षा दी गई है और इस बात को कांग्रेस को अपने ऊपर शर्मिंदा होने की आवश्यकता है, अपने आप को पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोकतंत्र में अपनी सत्ता जाते समय किसी दूसरे के ऊपर किस हद तक निम्न स्तर पे आप आ सकते हैं। इस बात के लिए कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी लेकिन शिष्टाचार बना रहना चाहिए, ये बात कांग्रेस को विचार करना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, चलिए राजीव जी मैं आपसे अब अंतिम सवाल पूछना चाहता हूं दोनों से। राजीव जी पहले आप ये बताइए कि क्या सरकार के पास बहुमत है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और इस्तीफा मांग रहे हैं बार बार, आज भी उन्होंने यही कहा, यही बात दोहराई है कि उनके पास बहुमत नहीं है। क्या सच्चाई है, क्या आपके कुछ और विधायक भी हैं नाराज? अनुराग जी साफ सी बात है कि आज मुझे लगता है कि गणित का शायद विषय में मुझे लगता है जयराम जी को ये वीक लग रहे हैं। अगर अल्टीमेटली आपकी 66 की विधानसभा थी, 66 में से आपके 6 लोगों को आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आपको 32 का चाहिए थे, कांग्रेस का 34 है। अब आपके 3 और विधायक कम हो गए तो अल्टीमेटली कांग्रेस का तो अपना जो जनमत है वो पूरा है अभी उसमें, तो जो अकॉर्डिंग टू जो आपका वो सब कुछ है विधानसभा के हिसाब से तो आपका आपके 66 में से 5-6 चले गए थे तो आपका 62 का हाउस था, 62 के हाउस में आपको 32 का चाहिए तो कांग्रेस का 34 था। अब 62 से आप 3 और कम हो गया तो आप समझ लीजिए अब 59 कम हो गए, लेकिन स्पीकर की तरफ से अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, मंजूर खबर आ रही है, मंजूर नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अभी उसके ऊपर देखेंगे और निर्णय लेंगे कि कब निर्णय लेते हैं वो डिपेंड्स ऑन द स्पीकर दिस थिंग। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम 3 की अगर हम और 3 की बात भी करते हैं तो अल्टीमेटली कांग्रेस का तो जब आपके पास ऑलरेडी 68 के बाद आपके पास 62 में आपके पास 32 लोग चाहिए थे तो आपके 34 लोग थे तो आपके पास तो पूरी जो आपको एक ठीक है। विवेक जी से पूछ लेते हैं, विवेक जी सच्चाई बताइए, क्या प्लान है आपका, सच सच बताइए। ऐसा है कि इनकी गणना दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, पहला प्रश्न का उत्तर आपका मैं दे दूं। दूसरा, 4 जून तक इनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, उसके बाद बचेगी नहीं बचेगी इसका निर्णय इनको लेना है। लेकिन आपका क्या प्लान है, अब ये बता दीजिए दर्शकों को। हमारा प्लान ये है कि हम राष्ट्रहित में, प्रदेश हित में काम करेंगे, जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। चलिए सीधे सीधे नहीं बताएंगे लेकिन बिल्कुल बिल्कुल इनका काम एक है। अनुराग जी, इनका जो भाजपा है आज वो गंगा मैया है, जो हमारी होली रिवर है जो बहती है, वो एक उन्होंने दूसरी रिवर तैयार कर दी है भाजपा ने, कि आप जो भी कोई लोग है उसे लाओ और उसे चलिए दूसरी अपोजिशन पार्टी में, तब तक वो ठीक है सब कुछ है। जैसे शुक्रिया आपका, आप दोनों ने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि जो हिमाचल का कार्यकर्ता है, चाहे कांग्रेस का चाहे भाजपा का, आम जनता है, ये सब जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि हिमाचल की सियासत जो है, हिमाचल की सरकार जो है, वो सियासी भवन में फंसी हुई है और अब जो बागी विधायक थे अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, वो शिमला के लिए पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके आगे बीजेपी का प्लान क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, नमस्कार।